दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपना खुद का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। फिर आप उसमें कोई मैसेज वगैरह लिखकर और उसको सेंड करना चाहें किसी को क्यूआर कोड के फॉर्मेट में तो भी कर सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल या अपनी फेसबुक आईडी या फिर इंस्टाग्राम किसी प्रोफाइल लिंक को कॉपी कर किसी की भी प्रोफाइल लिंक को कॉपी करके अगर आप उसका क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको जिस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैंने उसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ तो मैं उसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टेस्ट का जो ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें आप जिस किसी भी चीज का QR कोड जनरेट करना चाहते हैं आप वो टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे कोई सीक्रेट मैसेज लिखकर किसी को सेंड करना चाहते हैं ताकि उसे कोई और रीड ना कर पाए और वो QR कोड को जैसे स्कैन करेगा वो आपके मैसेज को रीड कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ से चलिए मेरा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर सपोज कीजिए मुझे अपने इस नाम का QR कोड जनरेट करना है तो सिंपली नाम लिखना है, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं उसको लिखिए और यहाँ पर जनरेट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपका यहाँ पे QR कोड बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कोड को जब भी कोई स्कैन करेगा तो उसको मेरा नाम नजर आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मैसेज का किसी भी टेक्स्ट का QR कोड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चैनल का या अपनी फेसबुक आईडी का या अपने इंस्टाग्राम का आप QR कोड जनरेट करें तो आप अपने उस प्रोफाइल की लिंक को वहां से कॉपी कीजिए, अपने अपने यूट्यूब चैनल की लिंक को कॉपी कीजिए और यहाँ पे उसको पेस्ट करने के बाद यहाँ से जनरेट कर दीजिए। तो आपके YouTube, Facebook जिसका भी आप QR कोड जनरेट करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे अपने YouTube का यहाँ पर QR कोड जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने चैनल का लिंक देता हूँ। ये मैंने अपने चैनल का लिंक दिया और जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे चैनल का QR कोड यहाँ पे आ चुका है। अब अगर इस QR कोड को कोई स्कैन करता है तो उसे मेरे चैनल का लिंक शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक फीचर आपको और मिलता है, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है, बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे QR कोड का आइकन बना हुआ है। तो अगर आप QR कोड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार इमेज मिलती है। अगर इनमें से किसी इमेज के ऊपर आप QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो इसमें से उस इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके खुद की किसी इमेज पर आप QR कोड जनरेट करें तो आपको यहाँ पे प्लस का आइकन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे आप सेटिंग में जाकर इसे परमिशन दे दीजिएगा, आपके स्टोरेज की परमिशन को आपको एक्सेस करना होगा। चलिए मैं यहाँ से इसको स्टोरेज की परमिशन दे देता हूँ, चलिए इसको परमिशन देते हैं, वापस देख लेते हैं। और अब फिर से मुझे इस पे जाना है, फिर से प्लस वाले पे आइकन पे जैसे मैं टैप करूंगा तो मेरे फोन की गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जिस किसी भी इमेज पे मैं अपना QR कोड जनरेट करना चाहता हूँ उस इमेज को मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो सपोज कीजिए चलिए मैं किसी एक इमेज को यहाँ से लेता हूँ, चलिए मैं इसी इमेज को यहाँ से ले लेता हूँ। अब मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, इसके बाद आपको अपना टेस्ट या URL जो भी देना वो यहाँ दीजिए। इसके बाद जैसे आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी इमेज पर आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा, और इसे आप चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जिस तरह से भी आप इसको सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और इस तरह से आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर की साइड में एक शेयर का ऑप्शन नजर आता है और एक आपको सेव का ऑप्शन, सेव वाले ऑप्शन पर आप टैप करके अपनी गैलरी में इसको सेव कर सकते हैं, या फिर आप शेयर वाले ऑप्शन पर टैप करके डायरेक्ट अपने किसी फ्रेंड वगैरह को इस QR कोड को सेंड करना चाहते हैं तो उसको भी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों काफी अच्छी एप्लीकेशन है, इसकी हेल्प से आप अपने किसी सीक्रेट मैसेज का या अपनी किसी प्रोफाइल का अगर या किसी URL वेबसाइट YouTube चैनल का QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको एप्लीकेशन और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।